गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टुडे आज बहुत तबीयत ख़राब लग रही है, बट आज आप लोग के लिए मैं आया हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज तबीयत ख़राब लग रही है, बट आप लोग के लिए आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सो अगर कुछ वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा। अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग को करना है वो आज देखना है कि मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसके पहले हमने क्या कर रखा है, ग्रेविटेशन कर रखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर रखा है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं किए हैं या ग्रेविटेशन नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाइए और वीडियो देख लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का और ग्रेविटेशन का। और ऐसे बच्चे जो सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, और वो आए और कह सकते हैं कि आप लोग आइए, आपका स्वागत है, और आपको मास और वेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मास और वेट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि मास और वेट क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मास और वेट को एक ही चीज़ मानते थे, लेकिन आज से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मास क्या है? एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी। एक्चुअल कंटेंट जो भी बॉडी में है उसको हम लोग मास कहेंगे। ठीक है, ऑफ द बॉडी जो भी बॉडी में है उसको हम लोग मास कहेंगे। एस आई यूनिट जो मास की होगी दैट विल बी केजी। ठीक है, दैट विल बी एस आई यूनिट जो होगी दैट विल बी आपका केजी होगा। एस आई यूनिट आपका केजी होगा। ठीक, मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। मास जो होगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझ में आएंगी जब तक हम इसका कंपेयर वेट से नहीं करेंगे। चलो अब हम करते हैं। लेट अस से कोई बॉडी 2 किलो की है। ठीक, तो मास है 2 किलो। जो 2 किलो हमने कह दिया ना वही इसका मास होगा। बट वॉट इज द वेट? वेट बहुत सारे लोग कहेंगे वेट इज 2 kg। ठीक है, वेट इज अगेन 2 kg, बट मास इज 2 kg। अब हम लोग को डिफरेंस जानना जरूरी हो गया है वेट और मास का। ठीक है, वॉट इज वेट? वेट एक फोर्स है। वेट इज अ फोर्स, इज अ टाइप ऑफ द फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स, टाइप ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी बाई द अर्थ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स, अ फोर्स ऑन द बॉडी बाई अर्थ, ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी बाई अर्थ। अर्थ कितना फोर्स इस बॉडी पे लगा रही है, बाई अर्थ, अर्थ कितना फोर्स इस बॉडी पे लगा रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो मास है, मास इज अ कंटेंट, जो कंटेंट है बॉडी के अंदर कितना वो कंटेंट है उसकी बात हो रही है। बट वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। वेट इज नॉट, वेट इज अ फोर्स, फोर्स जो अर्थ इस बॉडी पे लगा रही है। अरे फोर्स, ये तो फोर्स हो गया, तो डैट मीन्स अगर फोर्स हो गया तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा वो आपका न्यूटन में होगा, क्योंकि ये फोर्स हो गया ना। और मास का एसआई यूनिट क्या होगा? मास का एसआई यूनिट आपका केजी में होगा, जो आप लोग हमेशा बोलते हैं। ठीक, और क्या चीज़ हो सकता है? अच्छा, मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। ठीक, बट ये जो वेट है ना, वेट जो है, वेट इज चेंजिंग। वाई द वेट इज चेंजिंग? क्योंकि फोर्स बदल रहा है ना भाई, फोर्स बदल रहा है। अभी तो हमने बताया ना, बदल रहा है फोर्स, हमेशा बदल रहा है। मैंने बताया कि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, FG = gm1m2/r2, यही तो है। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारा आर बदल जाएगा, यानी कि अगर बॉडी को तुम यहाँ से यहाँ ले गए, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, तो यहाँ से यहाँ ये तुम्हारा आर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा आर बदल गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेट भी बदल जाएगा। ठीक, समझ गए? अगर तुम्हारा आर बदल गया तो तुम्हारा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज अगर बदल गई तो वेट भी बदल जाएगा। ठीक, तो वेट क्या होता है? वेट इज, इन शॉर्ट आप वेट कह सकते हो, वेट को आप क्या कह सकते हो, वेट इज इक्वल टू m into g,
ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इन टू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर, ठीक। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट इज फाइन, सर्फेस ऑफ द अर्थ पे तो यही होगा, लेकिन सर्फेस से बहुत ऊपर क्या होगा, जी की वैल्यू बदल जाएगी, जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बदल जाती है, जिससे कि वेट ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, बट मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, मास जो है मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, वेट इज नॉट कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस ऑफ द वेट एंड द मास, वेट और मास में ये बहुत ही वैसा डिफरेंस है, ठीक है। एक और चीज जान दो कि जो ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटेशनल ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर, तुमने ये किया है ना, वैसे ही ग्रेविटी ऑफ द जो मून होता है, मून की जो ग्रेविटी होती है, दैट इज जी बड़ा जी मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर। अगर ये तुम्हारा वैल्यू देखो, जो जो मून के ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, दैट इज सिक्स टाइम्स ग्रेविटी ऑफ द मून, सॉरी ये सिक्स यहां पे नहीं होगा, दैट इज सिक्स टाइम्स ग्रेविटी ऑफ द मून, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अगर आप 1/6 करोगे, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ 1/6 करोगे, तो ग्रेविटी ऑफ द मून क्या हो जाएगा, तब आपका ग्रेविटी ऑफ द मून आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अगर आपका 9.8 है, 9.8 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 1.6 समथिंग क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ऑफ द मून हो जाएगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसका वेट, लेट अस से वो 60 किलो की है, 60 किलो की बॉडी है, तो अर्थ पे उसका जो वेट होगा, वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना वेट होगा, दैट इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इंटू ग्रेविटी, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इज 60 इंटू व्हाट इज द ग्रेविटी, ग्रेविटी इज 10, तो हम लोग लिख देंगे 600 न्यूटन इज द वेट ऑफ द बॉडी। बट ऑन मून, मून पे क्या होगा, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, वेट ऑन द बॉडी ऑन मून, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, वेट ऑन मून लिख दो ना, ठीक है, वेट ऑन मून, मून पे कितना वेट होगा, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इंटू ग्रेविटी ऑफ द मून, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, 60 इंटू व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द मून, दैट इज 1.6, दैट इज नॉट 10, यहाँ पे 10 है, बट दैट इज 1.6, और आप 1/6 कह सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 100 न्यूटन, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ऑलमोस्ट 100 न्यूटन के करीब पहुंच जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो, वेट वही बॉडी था, सेम बॉडी, अगर 600 न्यूटन जो अर्थ पे लग रहा था, जब उसको तुम ऊपर ले जाओगे, ठीक है, मशीन के साथ जब तुम ऊपर ले गए, तो वो जो वेट आएगा ना, वेट 100 न्यूटन का आएगा उसका, लेकिन मास इज सेम, क्योंकि मास इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, मास आपका 60 किलो इधर है, तो 60 किलो उधर भी होगा, ऊपर ले जाएगा तब भी मास उतना ही होगा, लेकिन जो वेट है ना, वेट आपका बदल जाएगा, ठीक। दूसरा एक और चीज जो मैं बताने वाला था यहाँ पे, कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की हाइट पे कैसे डिपेंडेंसी है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ग्रेविटी आप लोग लिख देते हो जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये लिख देते हो ना, ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हो, टॉपिक को ऐसे लिख सकते हो, डिपेंडेंसी ऑफ ग्रेविटी ऑन हाइट, यानी कि हाइट पे कैसा है, एज यू मूव अप, यहाँ से समझ लो तुम बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर, ठीक है, यहाँ पे चले गए, तो क्या ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी, एकदम ग्रेविटी घट जाएगी, क्योंकि जी एम ई मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर ई प्लस ये डिस्टेंस, जो डिस्टेंस डी तुम ऊपर गए हो, दैट विल बी इन काउंट आर ई प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू बढ़ गई है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी आपका घट जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे, यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाएगा प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट क्लास में। और जो भी आपको विद इन द ये, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, तो आप आइए क्लासरूम में, उस डाउट का आपका निवारण किया जाएगा, उस डाउट को आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी मैंने बता दिया कि कितना वेट हो सकता है, बस आपको मास को इंटू जी कर देना है, ठीक है।
और 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दैट विल बी द वेट, और वेट जो भी होगा दैट इज़ द अगेन या फोर्स, और उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका न्यूटन में आ जाएगा। ठीक, ओके, यहीं पे हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप करते हैं।